फ्रेंड, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 12.3। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए रूल पता होना चाहिए, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के। यदि आपको रूल याद नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये ट्रिक में जो बातें हैं वो ध्यान रख लो, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे बिना गलती के। देखिए किस तरह से ट्रिक कहती है, यदि सेम साइन मिले तो जोड़ देना, अपोजिट साइन मिले तो घटा देना, और आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाना। ठीक है, आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है आप जेड इक्वल टू 10 पुट कीजिए और इसकी वैल्यू बताइए। तो कर देते हैं, जेड की जगह रखा बेटा 10, ये -3, इस जेड की जगह रखा 10, ये -10। ठीक है, यहाँ जेड दोनों जगह रख दिया बेटा 10। ठीक है, अब 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 × 10 × 10 कितना होगा 1000। ठीक है, और ये -3, आप जानते हो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो 10 में से 10 माइनस करोगे 0 आएगा। ठीक है, ये 1000, 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0, कितना आया बेटा 1000। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है p इक्वल टू आप -10 पुट करके इसकी वैल्यू बताएं। तो कर देते हैं, p की जगह बेटा यहाँ पे -10 रखा और 2 पावर है लगा, ये -2, इस p की जगह रखा बेटा -10 और ये -100। आप बेटा इसे लिख सकते हो -10 × -10, क्यों? क्योंकि 2 पावर है, 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, अब बेटा यहाँ हमारी ट्रिक की शुरुआत हो गई। बिना कोई कॉन्सेप्ट, बिना कोई रूल याद करे सभी क्वेश्चन ये ट्रिक हमारे सॉल्व करवा देंगे। कैसे? ये देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, दो साइन एक साथ है लेकिन किसके? मल्टीप्लाई के। ये माइनस है, ये माइनस है, सेम साइन है, तो बेटा यदि सेम साइन हो तो साइन कौन सा लगा दो? प्लस का। तो बेटा इन दोनों साइन की जगह प्लस आ गया। ठीक है, और 2 × 10 = 20 और ये -100। ठीक है, अब इधर चलो, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ दो साइन है, दोनों माइनस के है, तो बेटा सॉल्यूशन में कौन सा साइन आएगा? कैसे पता चलेगा? ट्रिक मदद कर देगी। ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों बेटा सेम साइन है, सेम साइन है तो साइन कौन सा बनेगा? प्लस का। तो बेटा दोनों की जगह आ गया प्लस का साइन। ठीक है, 10 × 10 = 100 और ये +20 और ये -100। ठीक है, सिंपल तरीके से बात कर लेते हैं, ये प्लस का 100 माइनस का 100 कैंसिल, क्या बचा बेटा 20। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है 2x² + x - 8, इसका मान, इसकी वैल्यू बेटा 5 के इक्वल है, मतलब इक्वल टू 5 बोला, लेकिन कब? जब x इक्वल टू 0 हो। तो बेटा आपसे कहा है a की वैल्यू क्या होगी ये बता। ठीक है, आपको बेटा कहा है x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, ऐसा कहा है। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम a की वैल्यू पता करेंगे। देखिए x की जगह बेटा आप यहाँ 0 रख दो तो 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 रखा, ये -a = 5, ये 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये 0, ये -a = 5, ये 0 हो गया, ये भी बेटा 0, ये -a = 5, इसे हम हटा देंगे। अगली स्टेप में बेटा इस माइनस साइन को आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं,
इस तरह से बेटा ए की वैल्यू पता चली -5। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है आप इस एक्सप्रेशन को व्यंजक को सिंपलेस्ट बना लो, सरल बना लो, और फिर बेटा उसमें a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3 रखे, इसकी वैल्यू पता करो। चलिए सबसे पहले बच्चों इसे सिंपलेस्ट बनाएंगे। किस तरह से? इस 2 का बेटा अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 2 का a स्क्वायर में मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, ये प्लस है प्लस लगाया, 2 का ab में मल्टीप्लाई 2ab, ठीक है। अब इन दोनों को आप लिख लो, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ये 2a स्क्वायर। अब बेटा ab वाले टर्म्स दो जगह है, एक साथ लिख लेते हैं, ये 2ab और ये -ab। अब नंबर लिख दो, ये लिख लिया, ठीक है, ये 2a स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। अब बेटा यहाँ हमारी मदर ट्रिक करेगी, ये प्लस का ही है माइनस का ही, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मिले नंबर हमेशा घटते हैं, माइनस होता है, तो बेटा 2 में से 1 माइनस करोगे 1, और यहाँ ए बी लिखा है ए बी आ, ठीक है। आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 2 है, उसके आगे प्लस है तो प्लस आ, और ये प्लस 3, ठीक है। अब बेटा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3 पुट करना है, कर देते हैं, ये 2 a की जगह रखा बेटा 5 प्लस ये a इंटू बी मतलब 5 इंटू -3 और प्लस ये 3, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 25। यहाँ आप ध्यान दो मल्टीप्लाई है, लेकिन बेटा एक प्लस साइन भी एक माइनस साइन है, कौन सा साइन बेटा यहाँ लगेगा? यहाँ हमारी मदर ट्रिक करेगी, ये प्लस का ही ये माइनस का ही, अपोजिट साइन है, यहाँ साइन कौन सा आएगा माइनस का, लगा दो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, ये प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, ये -15 और ये प्लस 3, ठीक है। प्लस वाले नंबर एक साथ लिख लेते हैं, 50 और 3 को बेटा एक साथ लिख लिया, और ये माइनस का 15, इन दोनों को जोड़ोगे 53 और ये माइनस का 15, 53 में से 15 माइनस करोगे 38, आपके क्वेश्चन का आंसर 38 है।